शहर के मझौला थाना क्षेत्र में सब्जी की दुकान करने वाली एक महिला ने मोहल्ले के ही रहने वाले एक युवक पर अपने साथ और बेटे के साथ मारपीट करने सहित सोने का एक कुंडल लूटने का आरोप लगाया है। मझौला थाना क्षेत्र के चाऊ की बस्ती में रहने वाली महिला रामवती और उसका बेटा अरुण केजी के कॉलेज के पास सब्जी की दुकान लगाते हैं। महिला का आरोप है कि चाऊ की बस्ती का ही रहने वाला राजू इंपीरियल तिराहे पर छोले भटूरे का ठेला लगाता है। राजू उनके पास सब्जी लेने आया था और उधार सब्जी मांग रहा था। उन्होंने उधार सब्जी देने से मना किया। आरोप है कि राजू अपने साथियों को लेकर महिला की दुकान पर पहुंचा और उसके बेटे अरुण के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। महिला ने जब अपने बेटे को बचाया तो उसके साथ भी मारपीट हुई। वहीं महिला ने अपना सोने का कुंडल भी लूटने का आरोप लगाया है। छह सात लड़कों को बुला कर लाया राजू। राजू ने लड़कों से पिटवाया खड़े होकर, अब मुझे भी पिटवाया। अच्छा, राजू कौन है? राजू छोले भटूरे वाला, चाऊकी बस्ती में रहता है। अच्छा, क्यों, क्या विवाद था आपका? कोई विवाद ना, सब्जी लेने आया, हमने मना कर दी, इसी बात पे मारा तोड़ी चालू कर दी। अच्छा, कितने लोग थे वो? सात लड़कों को बुलाया, अरे खुदा आठ जने। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? एक लड़का ही बस? ये लड़का घायल हुआ, साहब मेरे सोने का कुंडल लेकर मुझे भी मारा थोड़ा बकोटा था। अच्छा, सोने का कुंडल लेगा? हाँ, एक कुंडल लेगा, एक आएगा, एक लेगा दुकान। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, भाग गए मार मोड़ कर। अच्छा, सब्जी लेने आया था वो? सब्जी लेने आया, हमने नहीं दी तो छह सात लड़कों को बुलाकर हमने दोनों मार बेटों को खूब पिटवाया हमने। पीड़िता ने मझौला थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने घायल अरुण और पीड़िता को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।